हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीजीएमएस रोहतक के सीईटी यूजी एग्जाम्स के बारे में। इन एग्जाम्स के थ्रू आप दोस्तों बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में साथ में बात करेंगे कि पीजीएमएस रोहतक का सीईटी यूजी एग्जाम्स एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिकल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, सीईटी यूजी एग्जाम्स का पैटर्न क्या है और कितने मार्क्स के होते हैं। दोस्तों तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। साथ में आप हरियाणा से बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप बीच में ना करें। बीएससी नर्सिंग का बात किया जाए दोस्तों तो ये 4 ईयर का कोर्स होता है जिसमें आपको ईयरली वाइज एग्जाम्स होते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि फिजियोथेरेपिस्ट आप करना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए सब्जेक्ट्स और आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि पैरामेडिकल बीएससी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 10+2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, तो आप सीईटी यूजी एग्जाम्स दे सकते हैं। सीईटी यूजी एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए दोस्तों तो ये आपको टोटल 180 मार्क्स का एग्जाम्स होते हैं जिसमें फिजिक्स 60 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का और बायोलॉजी 60 मार्क्स का होता है। दोस्तों इसका जो आपको क्वेश्चन का बेस होता है दोस्तों वो आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं वही होता है। आप 10+2 का जो प्रिपरेशन करते हैं उसी के आधार पे इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके आपको मेरिट के बेस के आधार पे आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि सबसे अच्छा मार्क रहता है तो आपको बीएससी नर्सिंग मिलता है, उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट, देन आपको पैरामेडिकल कोर्स में काउंसलिंग होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में जो आप का पीजीएमएस रोहतक का सीईटी यूजी एग्जाम्स का फॉर्म है उसके लिए आपको बता दें कि पिछले रिकॉर्ड के अनुसार हम देखें तो पिछले बार में आपको मई के लास्ट तक में आया हुआ था दोस्तों इसका फॉर्म, जो कि इस बार भी आपको मई के लास्ट जाते जाते में इसका फॉर्म आ जाएगा और जून में आपका एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर आपको काउंसलिंग प्रोसेस होगा दोस्तों। यदि आपका कोई क्वेश्चन या क्वारीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।